वायरल इलेक्शन की शुरुआत गाय से, मंदिर और गाय, ये वो दो मुद्दे हैं जो कभी भी देश की राजनीति में उलटफेर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक गाय वायरल है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी प्रचार करने के लिए गायों को अपने रंग में रंगवा रही है, लोग बीजेपी को कोस रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। पहली तस्वीर में महिला दरवाजे पर खड़ी है और बीजेपी के रंग में रंगी गाय उसके पास है। दूसरी तस्वीर में बीजेपी के रंग में रंगी गाय खड़ी दिख रही है और वहां एक शख्स कुर्ता पहने खड़ा है। ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजनीति में तेजी से वायरल हो रही हैं। राज्य में कांग्रेस के समर्थक माने जाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद राय ने ट्विटर पर इसमें से एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश चुनाव में राष्ट्रमाता गाय से बीजेपी का चुनाव प्रचार, सियासत का असर देखिए, गाय भी प्रचारक हो गई, बीजेपी राष्ट्रभक्त बाकी सब सेक्युलर हो गए। आनंद राय जैसे बड़े लोग जब इस तस्वीर को शेयर करने लगे तो सोशल मीडिया पर ये तेजी से घूमने लगी। लोग बीजेपी के खिलाफ धड़ल्ले से लिखने लगे। कोई इसे बीजेपी की बौखलाहट बता रहा है तो कोई केमिकल रंग गाय पर चढ़ाने का विरोध कर रहा है। फोटो शेयर करते हुए लोग इसे भोपाल शहर का बता रहे हैं। भोपाल देश का 17वां सबसे बड़ा शहर है। शहर की आबादी तकरीबन 18 लाख है और 30 किलोमीटर से बड़े दायरे में ये शहर बसा हुआ है। इतने बड़े शहर में एक दो गायों को खोजना कोई आसान काम नहीं है। जहां तक बीजेपी की बात करें तो ये पूरा मामला बीजेपी के खिलाफ जाता है, इसलिए बीजेपी के नेता इस मामले में कुछ बोलेंगे इसमें संदेह है। मगर सबके बावजूद हमने इसकी तलाश में अपनी टीम सक्रिय कर रखी है। गाय पर रंग का ये विवाद इसलिए ज्यादा गहरा है क्योंकि गाय बीजेपी नहीं, इस बार मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का भी चुनावी मुद्दा है। सरकार बनने पर कांग्रेस हर पंचायत में गौशाला खोलने का वादा कर चुकी है, यानी गाय पर सियासी रंग दोनों पार्टियों की ओर से बढ़ा हुआ है। पड़ताल को आगे बढ़ाएं उससे पहले गाय का राजनीतिक रिश्ता समझ लीजिए, क्योंकि गाय भले ही आज देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक हो गई हो, लेकिन गाय की राजनीति सालों पहले से शुरू हो गई थी। गाय और बछड़े की तस्वीर वाले इस पोस्टर को देखिए, ये कांग्रेस का पोस्टर है। पंजा छाप से पहले कांग्रेस का यही चुनाव चिन्ह हुआ करता था। इंदिरा गांधी इसी निशान पर जीतकर पीएम बनी थी। इससे पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो जोड़ी बैल भी हुआ करता था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब भारत गांधी के बाद में लिखते हैं, साल 1951 और 52 के चुनाव प्रचार करने का एक अद्भुत तरीका कलकत्ता में अपनाया गया, जहां गायों की पीठ पर बंगाली में लिख दिया गया, कांग्रेस को वोट दो। यानी इतिहासकार की बात को समझें तो गाय पर लिखकर प्रचार का ये तरीका नया नहीं है। आजादी के 4 साल बाद ही ये तरीका इस्तेमाल में लाया जाने लगा था। और जो लोग इस पूरे मामले के लिए बीजेपी को कोस रहे हैं वो ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस तरीके का इस्तेमाल सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया था। बीजेपी के रंग में रंगी गाय भोपाल में घूम रही है या नहीं, हम इसके बारे में ठोस कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पड़ताल में जो बात साफ होती है वो ये कि गाय के शरीर का प्रचार के लिए इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। हमारी ये पड़ताल अभी जारी है। राहुल गांधी का वीडियो चुनाव में खूब वायरल है। कभी पेट्रोल को लेकर उल्टा बयान तो कभी सूरज को पूरब से पश्चिम में उगाने वाला बयान। अब एक बयान और वायरल हो रहा है, आप उस बयान को देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस बयान से आपका भी सामना जरूर हुआ होगा। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। सिर्फ 4 सेकंड के इस वायरल वीडियो में राहुल एक सभा में खुद को सबसे बड़ा बेवकूफ कहते दिख रहे हैं। देखिए, ये कोई हॉल का मंच लग रहा है, सामने फूल माला लटकी है, पीछे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा है और राहुल अपनी बात कहते दिख रहे हैं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। 4 सेकंड का ये वीडियो व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। हमने जांच की तो पता लगा जून में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए ओबीसी सम्मेलन का ये वीडियो है। ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भाषण दिया था। हमने कांग्रेस के आधिकारिक पेज पर इस सम्मेलन का वीडियो तलाशा। 3 घंटे के वीडियो में सबसे आखिर में राहुल गांधी बोलने आए और राहुल गांधी का भाषण सुनने पर पूरी कहानी साफ हो गई।
भाषण के दौरान राहुल गांधी एक एनडीए सांसद से बातचीत का जिक्र कर रहे थे। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के ओबीसी एमपी मेरे पास आए, बाथरूम के सामने मैं निकल रहा था, उन्होंने मुझे रोका, नाम बता दिया तो मोदी जी आउट कर देंगे। और मैंने उनसे मजाक में पूछा, भैया बताओ क्या हो रहा है। एक मेरा हाथ पकड़ता है, कहता है राहुल जी मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। मैंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और आज मैं लोकसभा का सांसद, नरेंद्र मोदी जी मुझे एक शब्द नहीं बोलने देते, मैं उनके सामने जाकर बोल भी नहीं सकता हूं। इतने बड़े बयान में से सिर्फ 4 सेकंड निकालकर वायरल किया गया, आगे पीछे का हिस्सा चतुराई से हटा दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है राहुल के बयान और दावों में से कोई हिस्सा निकालकर इस तरीके से वायरल किया जाता है। इससे पहले पीएम बनने पर सूर्योदय की दिशा बदलने वाला ये वायरल वीडियो सुनिए। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। इससे पहले आलू से सोना बनाने का बयान भी अधूरा वायरल किया गया था। ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। दोनों ही वक्त राहुल गांधी पीएम मोदी पर चुटकी ले रहे थे, इसलिए हमारी पड़ताल में पता चला है कि राहुल गांधी का बयान अधूरा वायरल किया गया। और अब राजनीति के मैदान से आज की सबसे ताजा वायरल खबरें। झाल बजाकर झूमते हुए ये दरअसल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में रायसेन के उदयपुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र पटेल का झाल मंजीरा बजाने का वीडियो वायरल हो गया है। प्रचार के दौरान मंदिर पहुंचने पर भीड़ को देखकर कांग्रेस उम्मीदवार झाल बजाने लगे। आज मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान है। चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का एक और वीडियो वायरल। वीडियो में कमलनाथ कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर मुसलमान 50-60% वोट देते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होता है, कम से कम 90% मुस्लिम वोट देंगे तब फायदा होगा। आज मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज समय आ चुका है 28 तारीख को भाजपा को निर्वस्त्र करके यहाँ से भेजना। सतना में प्रचार के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान फिसली। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सिंधिया ने कहा 28 नवंबर को बीजेपी को निर्वस्त्र करके भेजेंगे। आज समय आ चुका है 28 तारीख को भाजपा को निर्वस्त्र करके यहाँ से भेजना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का भावुक होने का वीडियो वायरल हो रहा है। छिंदवाड़ा के सौसर में कांग्रेस उम्मीदवार विजय चौरे ने जब अपने पिता और कमलनाथ की दोस्ती का जिक्र किया तो मंच पर बैठे कमलनाथ भावुक हो गए। पंद्रह दिन में दिया जाता है, एक महीने में, 3 महीने हो गए। देवास के सोनकच्छ में बीजेपी उम्मीदवार का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र वर्मा से गांव वाले हिसाब मांग रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार हाथ से मोबाइल बंद करवा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।